गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेल। सो हम लोगों ने हमारे इसी टॉपिक में मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल समझा दिए थे, जो है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या था कि ऑल लिक्विड एग्जर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था, फॉर एग्जांपल बाइसाइकिल टायर, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ग्लास ऑफ वाटर एंड बलून, जिसमें हमारे पास एक रह गया था एग्जाम्पल, उसको एक्सप्लेनेशन करनी थी, वो था हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। मैंने आपको बता दिया कि पास्कल लॉ का मेन थीम ही ये है कि आप एक एरिया में प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या वो फोर्स है या वो प्रेशर है, दिस इज़ नोन एज पास्कल लॉ। नाउ लेट जस्ट बिगिन टू द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, बाइक्स देखे होंगे, बाइसाइकल्स देखे होंगे, कार्स देखे होंगे, कि उसमें जब हम लोग ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो कार किस तरीके से रुक जाती है। वो एक डिफरेंट इक्विपमेंट्स होता है, उनका एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। लेट जस्ट बिगिन, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आपके लेवल के मुताबिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक डिस्क में, ठीक है, यहाँ पर एक पैडल है, ये एरिया जहाँ से ब्रेक अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है या प्रेशर अप्लाई किया जाता है, फिर वो प्रेशर किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, कैसे होता है, देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्रेक पैडल है, जिस पे आप लोग आपने अपने पाँव से या फुट से फोर्स अप्लाई किया है। फिर आप देख रहे हैं ये है मास्टर सिलेंडर, और जो कनेक्टेड है हमारे पास व्हील से। ठीक है, व्हील से, व्हील का ऊपर एरिया है उसको हम लोग कहते हैं कैलिपर, और दूसरा एरिया है जिसको हम, इसको फुली हम एक डिस्क कहते हैं। ठीक है, नाउ इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। लेट जस्ट सपोज हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक पैडल के थ्रू फुट से फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, जो मास्टर सिलेंडर से कनेक्टेड था, इसके अंदर हमारे पास लिक्विड भरा होता है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर इन लास्ट एग्जाम्पल, इसके अंदर एक लिक्विड होता है। लेट जस्ट सपोज लिक्विड नहीं भी होता, चलें फोर्स है या प्रेशर है, वो एग्जर्ट हुआ, वो प्रेशर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, मास्टर सिलेंडर में आया, मास्टर सिलेंडर से पास होता हुआ वो जो है इस व्हील तक पहुँचा, यानी कि वो प्रेशर लग रहा है इस ऑयल प्रोसेस से होकर, तभी हमारा जो है वो टायर रुक रहा है। आगे चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो हमारा जो था, मैं आपको बता रही थी, मैंने आपको डायग्राम में बता दिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ हाइड्रोलिक ब्रेक, नाउ व्हाट इज़ हाइड्रोलिक ब्रेक, इट कंटेन मास्टर सिलेंडर। ठीक है, मास्टर सिलेंडर इज़ द मेन सिलेंडर, जो ठीक है, जिसका मेन पर्पस होता है, जिसका मेन काम होता है। वैसे बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं, मास्टर सिलेंडर्स में हमारे पास क्या होता है, ये कनेक्ट होता है एक स्मॉल ट्यूब के साथ विद अ मूवेबल पिस्टन, ठीक है, विद अ व्हील। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं इसमें, इस सिस्टम में। ठीक है, इट कंटेन मास्टर सिलेंडर फिल विद ऑयल एज आई टोल्ड यू, ठीक है, विद ऑयल ट्यूब विद अ पिस्टन, मूवेबल पिस्टन होता है, एंड यूज टू स्टॉप द व्हील ऑफ व्हीकल। ठीक है, गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं। मास्टर सिलेंडर में हमारे पास एक ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है, जिस ट्यूब में हमारे पास ऑयल होता है, और वो हमारे पास उसमें हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन होता है, जिसमें हम लोग फोर्स या प्रेशर अप्लाई होते करते हैं, जिसकी वजह से जो होता है व्हील या टायर जो होता है गाड़ी का, वो रुक जाता है। वो कैसे रुकता है, इट कंटेन सेवरल सिलेंडर्स। ठीक है, आई एज आई टोल्ड यू के एक सिलेंडर्स नहीं, बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं, लेकिन मेन सिलेंडर जो होता है वो मास्टर सिलेंडर होता है। ठीक है, बिगर वन इज़ मास्टर सिलेंडर एंड ऑल दीज सिलेंडर्स कलेक्टिवली अटैच बाई व्हील ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, वर्किंग क्या है, वेन फोर्स इज अप्लाइड, नॉर्मली हमने एक फोर्स अप्लाई किया पैडल के ऊपर, ठीक है, फुट के थ्रू, देन पिस्टन मूव फॉरवर्ड ड्यू टू द एक्सर्टेड प्रेशर, फोर्स लगाया है, वो प्रेशर पिस्टन मूव हो जाएगा आगे की तरफ, पिस्टन आगे की तरफ मूव हो जाएगा प्रेशर के थ्रू, फोर्स के थ्रू, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑयल, ऑयल के थ्रू वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा टू द अदर्स इन दिस वे ब्रेक शू स्टॉप द व्हील। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है, कैसे सिंपल सा है कि पैडल्स के थ्रू ब्रेक अप्लाई की जा रही है, वो ब्रेक सिस्टम में क्या हो रहा है, वो फोर्स आ रहा है, वो फोर्स जो है पिस्टन जिसकी वजह से पिस्टन मूव हो जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से प्रेशर जो होगा ऑयल पर लगेगा, ऑयल क्या करेगा, ट्रांसमिट होगा थ्रू ऑयल, प्रेशर ट्रांसमिट होगा ऑयल की थ्रू, एंड अदर्स इन दिस वे ब्रेक शू विल स्टॉप द कार। सो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल, जो कि एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको पास्कल लॉ की दे दी है। आपके नोट्स भी हैं, आप इसकी पिक्चर्स भी ले सकते हैं, और आप इसी से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, अपने बुक से भी ले सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टिल देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।